आज हम पढ़ेंगे कुछ एक्साइटिंग टॉपिक्स जैसे कि पॉलीगन, रेक्टेंगल और इसकी और भी हम कमांड देखेंगे। कमांड जैसे कि रेक्टेंगल कैसे बनता है, ठीक है, पॉलीगन कैसे बनता है। पॉलीगन में भी दो तरीके होते हैं, इंस्क्राइब करना, सर्कम इंस्क्राइब करना। अच्छा, फिर हम सीखेंगे मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, ट्रिम कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं। तो हम आज सारी बेसिक कमांड पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले पॉलीगन से, ठीक है। तो वो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले, जैसे हमारा वर्क स्पेस खुल जाएगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यू एन एंटर करना है, ठीक है। तो ये हमारी टैब खुल गई, इसमें आ गया ड्राइंग यूनिट कि आपकी जो ड्राइंग है किस यूनिट में चलनी चाहिए। तो हमारी यूनिट चलेगी आर्किटेक्चरल प्रिसिशन, प्रिसिशन बाय हाफ इंचेस, और इसमें चलेगा इंचेस को कर देंगे हम ओके। फिर हम करेंगे डी एंटर, डायमेंशन के लिए करेंगे डी एंटर। मॉडिफाई में हम जाएंगे, लाइंस चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एरो साइज हम कर देंगे 6 इंचेस, ठीक है। क्लोज फील्ड की जगह कर दो आर्किटेक्चरल, या आर्किटेक्चर टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट की हाइट कर दो 6 इंचेस। प्राइमरी यूनिट कर देंगे हम आर्किटेक्चरल और प्रिसिशन बाय हाफ इंचेस, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, सेट करेंट कर देंगे और ग्रिड ऑफ कर देंगे, ठीक है। और तो हमने स्टार्ट कर ही रखा है, अब हम चालू करेंगे पॉलीगन बनाना, पॉलीगन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के टी एंटर, ठीक है। यहाँ आपको मैं बताता हूँ क्या करेंगे, हम करेंगे पॉलीगन, पी ओ एल पॉल एंटर, पॉलीगन। पॉलीगन क्या है शॉर्ट फॉर्म, पॉलीगन, पी ओ एल एंटर, पी ओ एल एंटर, ठीक है। अब कैसे बनाना है हमें पॉलीगन, हमें करना है कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमें सर्कल बनाना है, सी एंटर, ठीक है। माउस क्लिक बंद कर देंगे और रेडियस दे देंगे कि हमें कैसा सर्कल चाहिए, उसकी रेडियस दे देंगे, ठीक है। तो हमने रेडियस दे दी 10 फुट, एंटर, ये 10 फुट का रेडियस ये बन गया, ठीक है। ये देखो इसकी रेडियस होगी 10 फुट, ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए पॉलीगन, तो हम करेंगे पी ओ एल एंटर। पॉलीगन के लिए हमने कर दिया पी ओल एंटर, ठीक है। अब इसने एक लाइन दी है, पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। आपको पॉलीगन की साइड देनी है जो कि 4 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा दो या 4 दो, तो मैंने दे दी 8 और कर दिया एंटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है भाई पॉलीगन का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ से होना चाहिए। तो इसने मुझे जो मैंने सर्कल बनाया था इसका पॉइंट मुझे दे दिया कि भाई ये इसका सेंटर है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको कैसा चाहिए, जो पॉलीगन है वो कैसा चाहिए, सर्किल के अंदर चाहिए या सर्किल के बाहर चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई सर्किल के अंदर वाला कौन सा बनेगा और सर्किल के बाहर वाला कौन सा बनेगा। जो इंस्क्राइब्ड इन सर्किल है इसका मतलब है कि ये बनेगा सर्किल के अंदर, और सरकम इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल है ये बनेगा हमारा सर्किल के बाहर, ठीक है। जैसे कि हम अब करते हैं आई एंटर, ठीक है, देखो ये बन गया हमारा सर्किल के अंदर। ये जो है ना, ये स्केल करने के लिए कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्किल के अंदर बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब मैं इसमें जैसे कि एक बार जब ट्राई करने के लिए रेडियस डालता हूँ, मैं रेडियस कितनी ली थी 10 फुट, तो 10 फुट पर रुक जाता है क्या ये देखो 10 फुट पर रुक गया, ठीक है, आया समझ में। हम दोबारा करते हैं, हम करेंगे क्या पॉलीगन बनाने के लिए सी एंटर और माउस क्लिक बंद, रेडियस दे देंगे अब की बार हम 20 फुट, हमने 20 फुट रेडियस से। अब हमें चाहिए पॉलीगन, पॉलीगन समझिए पी ओ एल एंटर, ये बन गया पॉलीगन। अब मुझे नंबर ऑफ साइड चाहिए 12, मैंने कर दी एंटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है या तो एज बताओ या सेंटर बताओ, ये इसका सेंटर आ गया, मैंने कर दिया यहाँ क्लिक। ये पूछ रहा है आपको क्या चाहिए भाई, इंस्क्राइब चाहिए या सर्कम अबाउट सर्किल चाहिए, तो मैंने कर दिया आई एंटर, मुझे इंस्क्राइब ही चाहिए, और है ना आप या तो मुझे इसकी रेडियस बताओ, रेडियस नहीं पता तो फिर मैं माउस से ही इसका जो ये इसकी जो एक्सिस है सर्कल की यहाँ पे आके माउस क्लिक कर दूंगा तो इससे ही इंस्क्राइब्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम दूसरा फॉर्म पे चलते हैं पॉलीगन की, जो है सर्कम इंस्क्राइब्ड, वो कैसे बनेगी, सेम प्रोसीजर है, सी एंटर, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किल इज 20 फुट, एंटर, ठीक है। अब हम करेंगे पी ओ एल एंटर पॉलीगन, ठीक है। नंबर ऑफ साइड विल बी हम डाल रहे हैं 8, नंबर 8 चाहिए। अब इसको हम बताएंगे ये सर्कल का सेंटर, अब हमें इंस्क्राइब नहीं चाहिए, अब हमें सेमी इंस्क्राइब सर्कम इंस्क्राइब चाहिए, तो हमने कर दिया सी एंटर, ठीक है, और ये डाल दिया हमने 20 फुट,
ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सर्कल के बाहर 20 फुट का बना लेगा। देखो डिफरेंस, डिफरेंस आया समझ में? इसके अंदर जो पॉलीगन है, इसके अंदर जो पॉलीगन है ये वाला, ये पॉलीगन सर्कल के बाहर है तो ये हो गया सर्कमस्क्राइब्ड, और ये जो पॉलीगन है ये सर्कल के अंदर है तो ये हो गया सेमी स्क्राइब्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा स्क्राइब्ड और सेमी स्क्राइब्ड का कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगन। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो शॉर्ट की है वो है आर ई सी एंटर। ठीक है, अब ये बोला स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो मैंने माउस क्लिक से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब ये पूछ रही है तो एरिया दो, ये डायमेंशन दो या रोटेशन दो, मैं दे रहा हूँ डायमेंशन, मैंने कर दिया डी एंटर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भाई लेंथ बताओ कितनी लेंथ में चाहिए, तो मैंने इसकी लेंथ डाल दी भैया 20 फुट, मुझे लेंथ चाहिए मेरे रेक्टेंगल की 20 फुट। तब ये पूछ रहा है सब विड्थ भी बता दो, तो मैंने विड्थ बता दी 10 फुट। ठीक है, तो इसने एक रेक्टेंगल बना दिया। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल जो बना है ना, अब इसको आप किधर भी, जो चार क्वाड्रेंट होते हैं ना हमारे, ठीक है, चार क्वाड्रेंट होते हैं, 0 से 90, 90 to 270 and 270 to 360, तो इन चार क्वाड्रेंट में हम कहीं भी इसको रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको कर दिया ये वाला 270 to 360 और 0 तक। ठीक है ना, अब दोबारा एक बार हम दोबारा देखेंगे इसको। हमने करा आर ई सी एंटर रेक्टेंगल के लिए, माउस क्लिक बंद कर दिया। अब हम दे रहे हैं डायमेंशन, तो हमने कर दिया डी एंटर। ठीक है, अब इसकी लेंथ देंगे सबसे पहले कि कितना चाहिए लंबा, 50 फुट का चाहिए भाई साहब। ठीक है, फिर डालेंगे हम विड्थ, विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ हमें कुछ चाहिए, अब की बार विड्थ हमने डाली कम 40 फुट, एंटर, वही आ गया है ना। आप चार क्वाड्रेंट में किसी क्वाड्रेंट में इसको प्लेस कर लो, हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारी रेक्टेंगल की कमांड। अब हम तो करेंगे रेक्टेंगल हम रोटेशन से, तो आर ई सी एंटर। ठीक है, हमने करा आर ई सी एंटर रेक्टेंगल के लिए, अब करेंगे हम माउस क्लिक वन, ये हमने माउस क्लिक वन कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, तो हम डाल देंगे आर एंटर। अब हम कर रहे हैं रोटेशन से, ठीक है, तो ये रोटेशन वाला है। ठीक है, अब ये बना स्पेसिफाई रोटेशन, आपको इस रोटेशन स्पेसिफाई करना है कि आपको कितनी डिग्री उठाना है, मीन जीरो से कितनी डिग्री उठाना है, तो हमने डाल दिया 60, हमें 60 डिग्री उठाना है, तो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री उठ गया। अच्छा, अब ये मांगेगा क्या चीज़, या तो एरिया दे दो, डायमेंशन दे दो, या रोटेशन दे दो। अब हम देंगे इसमें डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स तो इसकी ये लंबाई और चौड़ाई है ना इसके लिए, तो हमने करा डी एंटर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने ये डाल दी 3 फुट लेंथ डाल दी हमने इसकी 3 फुट। ठीक है, और अब ये पूछ रहा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने डाल दी 4 फुट, और ये कर दिया हमने एंटर। ठीक है, ये तो छोटा बन गया 3 और 4 फुट से। अब आप ये बोल रहा है कि आपको किस क्वाड्रेंट में इसको प्लेस करना है, आप उस क्वाड्रेंट में इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको माउस क्लिक करने के बाद ये प्लेस हो जाएगा। और अब आप देखते हैं हम जो हमने 3 फुट और 4 फुट डाली थी वो क्या एक्चुअली में सही है या नहीं है। अच्छा, अलाइन से चेक होगा ये वाला, ये देखिए 4 फुट, और ये देखेंगे हम 3 फुट। ठीक है, ये देखिए ये हो गया 4 फुट और ये हो गया 3 फुट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगल से रोटेशन वाली कमांड। ठीक है, अब हम देखेंगे मूव कमांड, मूव कैसे होता है, मूव कमांड है, वर्क कैसे करता है। हमने कर दिया बिल्ट ऑफ, अब हमने जैसे बना दिया आर ई सी एंटर, हमने बना दिया रेक्टेंगल। ठीक है, और एक बना लिया हमने सर्कल सी एंटर, ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, और एक हमने बना लिया पॉलीगन पी ओ एल एंटर, साइड डाल दी हमने 10 एंटर। ठीक है, और सेंटर पॉइंट डाल दिया मैंने, ये इसको सेंटर पॉइंट मिला ही नहीं, ये डाल दिया सेंटर, ये मिल गया सेंटर नोट। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा है कि रेडियस कितनी रखनी है, इसको रखनी थी मुझे 20 फुट, ये 20 फुट का बनना। ठीक है, और एक मैंने बना लिया इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल कैसे बनाया, सी एंटर करा, रेडियस डाला मैंने 15 फुट। ठीक है ना, अब मैं करूँगा पी ओ एल एंटर,
पॉलीगन के लिए, ठीक है। साइड डाल दूंगा मैं, 8 साइड मुझे चाहिए। अब मैं इसका जो सेंटर है उसको पकड़ लूँगा और इसका जो इंस्क्राइब चाहिए या सेमी इंस्क्राइब चाहिए वो डालूंगा। तो मुझे चाहिए इंस्क्राइब, मैंने डाल दिया आई एंटर, ठीक है। अब ये देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आई डालते हैं। अब हम सीख रहे हैं कौन से कमांड, मूव कमांड। मूव कमांड की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, दिस कमांड यूज टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, एम एंटर इज द शॉर्टकट की, एम एंटर। अब करना कैसे है इसको मूव, एम एंटर कर दिया जाएगा मूव। मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आपको ऑब्जेक्ट मूव करना है ना उसको सेलेक्ट कर लो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको इसको कहाँ से उठाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है राइट क्लिक, ठीक है। तो ये आपको ये गिज़्मो आ जाएगा। अब इस गिज़्मो से आपको उठाना है, उसको उठाना है किस पॉइंट से उठाओगे, इस पॉइंट से उठाओगे, इस पॉइंट से उठाओगे, इससे या इससे, जिससे भी उठाना है ना उस पॉइंट को क्लिक कर दो। ये देखो इस पॉइंट से उठ गया और ये यहाँ पे जहाँ भी प्लेस करना है ना, जैसे इसे सेंटर पर प्लेस करना, तो यहाँ एंटर कर दो, ये प्लेस हो गया। ये है हमारी मूव कमांड। एक बार और सीखेंगे हम, मूव के लिए करेंगे एम एंटर, ठीक है। जो भी चीज़ आपको मूव करनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ से उठाना है इसको, मुझे सेंटर से उठाना है तो ये मैंने सेंटर से उठाया, और इसके सेंटर पे ही रखना है तो इसके सेंटर पे ही ये रख दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आते हैं ना मेरे पास, जैसे ऑटोमेटिकली सर्कल का पॉइंट आ गया, वो आता है ओ स्नैप से, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप F3 से। हर चीज़ का सेंटर पॉइंट अपने आप देता है, अप्रोक्सीमेशन पॉइंट ही देता है एक्चुअली में ये। अब मैं ये पॉलीगन है इसको भी मुझे मूव करना है तो मैंने कर दिया एम एंटर, इसको ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करने के बाद एम एंटर करा है, तो अब मैं सीधे राइट क्लिक कर दूंगा और इसको मैं उठाऊंगा। ये देखो ये अपने आप उठ गया, गलत हुआ ये। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, पहले हम करेंगे मूव एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर सेंटर से उठाएंगे, ठीक है। इसका सेंटर से, इसका सेंटर जब ये देगा, देखो इसका सेंटर ये नहीं दे रहा, इसको पहले एक बार रूट लेके जाते हैं फिर इसको सेंटर से लेके आते हैं, मूव एंटर, ठीक है। अब इसका सेंटर ये नहीं दे रहा, आ गया सेंटर में, ठीक है। सेम इसके साथ करेंगे एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर पे आ जाएंगे और इसको इस सेंटर पर प्लेस करना, तो ये इसके सेंटर पर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये इंस्क्राइब होगा ऑटोमेटिकली। ये थी हमारी मूव कमांड। ऐसे ही हम सीखेंगे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए क्या करेंगे, सी ओ एंटर, ठीक है। किस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कहाँ से उठाना है, कहाँ से कॉपी करना है, मुझे यहाँ से उठाना है तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और ये आगे रख दिया और आगे रख दिया और आगे रख दिया और आगे रख दिया और आगे रख दिया। ये हमारी कौन सी कमांड है, कॉपी कमांड। कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। यह है हमारी कॉपी कमांड। क्या करना है कॉपी करने के लिए, सी ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, कहाँ से उठाना है इसको, इसको कहाँ से उठा के कहाँ प्लेस करना है, तो उसके लिए आपको जैसे जो ये हाईलाइट हुई लाइन है ना, इसको आप कहीं से भी उठा सकते हो, एक तो इसकी पूरी सर्कमफेरेंस से कहीं से भी उठा लो या फिर इसके सेंटर से उठा लो, ठीक है। यहाँ से उठाओगे तो आपकी जो चीज़ें सही जगह से उठ के सही जगह प्लेस होगी, अदरवाइज आपकी ड्राइंग गलत हो सकती है। तो हमने सेंटर से उठाया और तो हम सोन ऐसे ही कॉपी करते जाएंगे सर्कल को, देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है ना। एक बार सेपरेट में सबको हटा के हम सीखते हैं, जैसे अब ये थोड़ा घिचपिच होगा तो जेड एंटर ई एंटर कर देंगे, ये देखो पूरी स्क्रीन पे ये डायग्राम है, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये तो अभी कुछ भी ड्राइंग नहीं, मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग सिखाऊंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे बनाना है लाइन वाइज लाइन, और जहाँ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक्चुअली ये मेरे उसमें नहीं है अभी, मेरे को उसको पढ़ाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसको जब हम काम करते हैं तो इसमें सिर्फ लिमिटेड ही की किस काम में आती है, सारी की सारी शॉर्टकट कमांड काम में नहीं आती है, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, आर ई सी एंटर रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, सी एंटर सर्कल के लिए, ठीक है, हमने दो बना लिए, इस पर ही सीखते हैं। सबसे पहले मूव कमांड, मूव कमांड के लिए करेंगे एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से उठाना है, राइट क्लिक करोगे तभी ये इसी सेंटर बताएगा और ये हाईलाइट वाली सर्कल बताएगा कि भाई आप यहाँ यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ से उठाया, ये देखो ये मैंने इसको यहाँ से उठाया और इसके इसका सेंटर बता रहा है अभी ये रेक्टेंगल का, यहाँ रख, ठीक है ना।
ठीक है, आया समझ में? अब सीखेंगे हम कॉपी कमांड। कॉपी कमांड सीखने के लिए हम करेंगे सी ओ एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक कर लिया, और ये देखो ये हो गया, ये देखो ठीक है। तो ये है हमारी कॉपी की कमांड। अब हम आगे चलेंगे, अब हम सीखेंगे आगे रोटेट कमांड। ठीक है, हम एल एंटर करते हैं और ऐसे ही ऑर्थो ऑन करते हैं। ऑर्थो ऑन किस लिए होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए। हमने ऑर्थो ऑन कर दिया, अब हमने कुछ बना दिया। ठीक है, अब हमको इसको रोटेट करना है, तो रोटेट की शॉर्टकट की है आर ओ एंटर। किस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये अभी मल्टी सेलेक्टेड है, तो इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट एक हो गया। ठीक है, आप क्या करना है वही राइट क्लिक करेंगे जिससे ये गिज़्मो आ जाएगा। गिज़्मो आने का मीन्स है कि आपको ये बता देगा कि अब आपको बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसके स्पेसिफाई ये घुमाएगा 360 डिग्री। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अभी देखो उसने घुमा दिया है ना, ये देखो 360 घूम रहा है ना। अभी ये एक्चुअली सीधा इसलिए घूम रहा है कि हमारा ऑर्थो ऑन है। तो ये देखो, ये 0 से 90 घूमेगा, 90 से 180 भी घूमेगा, 180 से 270 भी घूमेगा, और 360 और 0 भी घूमेगा। ठीक है, लेकिन अब हमको बिल्कुल सीधा चाहिए, हमको बिल्कुल सीधा घुमाना है, तो हम ऑर्थो ऑन रखेंगे। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट घूम गया। कैसे करा मैंने? आर ओ एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट करी, इससे क्या होगा? मैंने वापस करा राइट माउस क्लिक, राइट एंटर, गिज़्मो आ गया। गिज़्मो से ही मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। अब मुझे इसके अराउंड घुमाना है, तो ये देखो। ठीक है, ये थी हमारी रोटेट कमांड। अब आगे की कमांड हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इन पर बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, ये बिल्कुल इनिशियल इनिशियल की कमांड है। ये कमांड अगर बिल्कुल अच्छी तरह आ गई तो आप कोई सा भी नक्शा हो, 2D का 3D का सब बना सकेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।